साथियों, राजनीति हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि बिना पत्रकार बंधुओं के और उनके सहयोग के बिना किसी कार्यक्रम की सफलता की हम कामना नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज के युग में जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रभावी हो रखा है लोगों के समय में, लोग प्रिंट मीडिया की तरफ कम ध्यान देके सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहता है, तो ऐसे में पत्रकारों का महत्व और उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है किसी भी सामाजिक कार्यक्रम को या राजनीतिक कार्यक्रम को लोगों के बीच में पहुंचाना और उसके उद्देश्यों को लोगों के बीच में पहुंचाना कि क्या पॉजिटिव उद्देश्य किसी कार्यक्रम का है। हम सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सामान्य मिश्रू व हमारे साथ में है, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष सामान्य सुशीला जी यहाँ पर है, विप्र बोर्ड के हमारे राजस्थान के सदस्य सामान्य भैरव सिंह जी, नारूल के सरपंच साहब सामान्य गुलाब सिंह जी, सामान्य मदन सिंह जी, दादई के सामान्य राकेश जी, यशपाल सिंह जी, और ये हाथ से हाथ जोड़ने जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के हमारे देसूरी ब्लॉक के जो प्रभारी है सामान्य यशपाल सिंह जी, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से एक हमें मैसेज मिला था, एक आदेश आया था, निर्देश आया था कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम रखा जाए। और उस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के पीछे जो मंशा है कांग्रेस की, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो मंशा है, वो मंशा ये है कि लोगों तक कांग्रेस की बात को पहुंचाया जाए। कहीं पर परिस्थितियाँ ऐसी हो रही है, खास करके बाली जैसे विधानसभा की हम बात करें, जहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस को कोई ऐसा जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व तो नहीं मिला है। लोग नेतृत्व तो दे ही रहे, संगठन रूप को तो चला ही रहे, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कोई नेतृत्व तो नहीं मिला है, कार्यकर्ता भी हताश है। तो ऐसी कई परिस्थितियाँ कई जगह पर है। तो ये एक ऐसा अभियान, और ख़ास करके राजस्थान के अंदर इसको इसलिए ज़्यादा उपयोगी माना गया है क्योंकि हमारे जो जननायक है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है सामान्य अशोक जी गहलोत साहब, उन्होंने जिस तरह की योजनाएं राजस्थान सरकार की जनता के लिए दी, उनके हित के लिए दी है, चाहे वो चिरंजीवी आपके हेल्थ से रिलेटेड योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की, मैं समझता हूँ कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए, किसी भी क्षेत्र के उत्थान के लिए अगर हम बात करें तो शिक्षा और चिकित्सा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। और चिकित्सा के अंदर जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो असाध्य रोग लोगों में आने लगे, कैंसर की बीमारी आने लगी, हार्ट अटैक से बीमारी आने लगी, शुगर बीपी की बीमारी आने लगी, उस वजह से असाध्य रोग को बढ़ते थे। और किसी भी परिवार में ऐसा कोई असाध्य रोग से आदमी बीमार हो जाता, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कोई जाके इंश्योरेंस करवाते थे, उसमें मेडिकल क्लेम वगैरह नहीं होते थे, तो एक बीमारी के इलाज कराने के लिए करीबन 2 पीढ़ियों तक को उसका सिर्फ कर्जा चुकाने वो पैसे